अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। टुडे आई एम इन केप टाउन। जहाज ज्वाइन करना है तो इसलिए मैं केप टाउन में आया हुआ हूँ। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द बालकनी ऑफ माय होटल रूम। शाम को जोहान्सबर्ग में बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। आई वॉन्टेड टू मेक अ फ्यू थिंग्स बट आई सिंपली कुड नॉट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। केपटाउन पहुंचे हुए तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको अपने होटल का रूम दिखाऊं जो कि मुझे कंपनी ने दिया है। सीन बहुत ही खूबसूरत है। पीछे जो माउंटेन है इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल राइट नाउ, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत खूबसूरत लग रहा है। पीछे वोडाफोन की बिल्डिंग भी है, वॉल्यूमशिप मैनेजमेंट की बिल्डिंग भी है एंड बेसिकली दिस इज वाटर फ्रंट एरिया ऑफ केपटाउन। यहाँ पे ज्यादातर होटल्स हैं। अब कोविड की वजह से हो ये रहा है कि मैं तकरीबन अपने कमरे में कैद रहना पड़ रहा है। आई मीन नॉट एग्जैक्टली, बिल्कुल कैद तो नहीं आप इसको कह सकते, लेकिन अब हम वेट कर रहे हैं कि डॉक्टर आएगा, हमारा दोबारा PCR टेस्ट करेगा, क्योंकि जहाज़ पे वापस जाने के लिए एक और मरतबा PCR टेस्ट होगा। एक मैंने करवाया था साउथ अफ्रीका आने से पहले, अब एक होगा जहाज़ पे जाने से पहले। तो डॉक्टर साहब को हमने इंतज़ार करना है जनाब, और डॉक्टर साहब की जब तक PCR टेस्ट नहीं हो जाता हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। और साथ ही खाने की अब रिस्ट्रिक्शन ये आ गई है कि खाना आपको कमरे में ही मिलेगा, आप खाना नीचे जाके हॉल में नहीं खा सकते। हाउ स्ट्रेंज इज दैट। रिक्वायरमेंट है जी, पूरी करनी है, खाना खाएं, बिस्मिल्लाह करें। इस होटल की मुझे कोई अच्छी बात ये लगती है कि केपटाउनियन की, जहाँ पे मैं भी रुका हुआ हूँ, कि आपको खाना अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हलाल मिलता है। खैर साउथ अफ्रीका में वैसे भी जनरली ऑलमोस्ट हर जगह पे ऐसे ही है, इवन मैंने जो एड्स भी लगे हुए देखे हर जगह पे ये लिखा हुआ स्पेशली हलाल का, लेकिन कुछ कंट्रीज में आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। साउथ अफ्रीका में शुक्र ऐसा नहीं है। जो कमरे ने मुझे दिया है वो 12th फ्लोर पे है, तो ये पेंट हाउस, लेकिन प्लीज़ इसको उस पेंट हाउस की नज़र से देखिएगा जो कि एक आम आदमी का पेंट हाउस होता है। इसको आप किसी हॉलीवुड के बंदे के पेंट हाउस के हिसाब से नहीं देखिएगा, हॉलीवुड की फिल्म के हिसाब से। अंदर होते ही सबसे पहले आपको ये वाला टेबल नज़र आएगा, दिस इज़ बेसिकली अ कॉफ़ी टेबल, और कॉफ़ी टेबल है ही तो क्यों ना इसको पानी गर्म करने के लिए रखते हैं, सो दैट वी कैन मेक अ कॉफ़ी। फिलहाल इसके ऊपर जो है मैंने अपना लैपटॉप वाला बैग रखा हुआ है। इट्स क्वाइट स्पेशियस एक्चुअली, अगर हम इस पर नज़र उड़ाएँ जगह इसके अंदर काफ़ी है। यहाँ साइड के ऊपर मैंने अपने बैग्स रखे हुए, और यही टेबल जो मैंने आपको अभी अभी दिखाया था, इस टेबल के बिल्कुल थोड़ा सा राइट पे यहाँ पे एक और टेबल है। दो इन्होंने इसके ऊपर लैंप्स दिए हुए, एक लैंप ये रहा और दूसरा लैंप ये रहा। लेट अस स्विच देम ऑन, लेट्स स्विच दिस वन ऑन एज़ वेल। सो दिस इज़ द अदर टेबल, काइंड ऑफ स्टडी टेबल, काइंड ऑफ ड्रेसिंग टेबल, अ बिट ऑफ बोथ। और इसी टेबल की हल्का सा राइट साइड पे दिस इज़ द मेन काउच। स्पेशियस इनफ, मेरे ख्याल में दो लोग तो इस पर आराम से बैठ सकते हैं, चाहे तो आप तीसरा भी एडजस्ट कर सकते हैं। दैन दिस इज़ ऑफ कोर्स द टेबल जिस पर बैठ के मैंने अभी भी खाना खाया, और खाने के बाकियात यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। दैन दिस इज़ वन चेयर दैट आई रियली लाइक, कलर मुझे इसका बड़ा पसंद आ रहा है, भी काफ़ी कम्फर्टेबल, बैठने में भी अच्छी लगती है। टॉप पर यहाँ पर एयर कंडीशन लगा हुआ है, और यहाँ पर सामने एक टेलीविज़न लगा हुआ है। टेलीविज़न के बिल्कुल नीचे यहाँ पर बैग रखने की जगह है, आप अपना कोई भी बैग रख सकते हैं, हमने अपना कैमरा बैग रखा हुआ है। कर्टन्स डबल दिए हुए, रास्ता ये बैल्कनी को भी जाता है, लेकिन मैं ये वाला रास्ता यूज़ नहीं करता बैल्कनी के लिए, मैं यूज़ करता हूँ अंदर वाला, आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे ये एक पल्ला दिया हुआ है इस बैल्कनी को बंद करने के लिए, और ये दूसरा पल्ला दिया हुआ है, कंप्लीट विंडो जो है वो बंद हो जाती है जब हम इनको क्लोज करते हैं। टीवी के सिर्फ ये वो जगह है जहाँ से अंदर जाके हम बेडरूम में जा सकते हैं। इसको खोल लेते हैं। दिस इज़ द बेडरूम, दिस इज़ द बेडरूम एंड दिस इज़ द बेड। डबल मैट्रेस में ख्याल में इसके ऊपर रखा हुआ है, काफ़ी कम्फी है। तकिए बड़े मोटे मोटे हैं, यूजली मैं यूज़ करता हूँ पतले तकिए, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट ये किया कि अभी मुझे पतला तकिया ला दो रात को सोने के लिए, इतना मोटा तकिया तो मैं नहीं यूज़ कर सकता। यहाँ पे भी दो टेबल लैंप्स हैं, वेल और इसको भी हमने स्विच ऑन कर दिया, इट्स लुकिंग मच बेटर नाउ। कमरे में दाखिल होते ही लेफ्ट साइड पे जिसमें हमने लेंसेज रखी हुई हैं, ये एक और टेबल है। टेबल के बिल्कुल सामने यहाँ पे शीशा दिया हुआ है, आप चाहें तो अपना बनाव सिंगार कर सकते हैं, और अपने पाकिस्तानी स्टाइल के ऐन मुताबिक हमने अपनी कुर्सी के ऊपर अपनी जैकेट और अपना तौलिया दोनों चीज़ें रख दी हैं। टॉप पे एक टेलीविज़न एक और दिया हुआ है, दिस इज़ अ बिगर टेलीविज़न, दूसरे वाले से बड़ा है। चैनल्स कौन से आ रहे हैं अभी तक मैंने नहीं देखा। लेट मी शो यू माई बाथरूम। टॉप पे एज़ यूजुअल सिंक,
सिंक के बिल्कुल नीचे यहाँ पे टॉवल शॉवल रखने की जगह है मेरे ख्याल है, WC एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ दी शावर एरिया प्लस साथ में बाथटब भी है। अगर आप बाथटब में लेट के इंजॉय करना चाहते हैं और नहाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट, टॉप एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ बस। बाथरूम से हम आ जाते हैं बाहर। ये एक वार्डरोब है, इस कमरे में बेसिकली दो वार्डरोब थी इन्होंने, एक ये रही। इस वार्डरोब में दो बाथरूम्स रखे हुए हैं, नीचे सेफ रखा हुआ है अगर आपने कोई अपने महंगे आइटम्स रखने हैं कोड लगा के। और एक वार्डरोब इसके अंदर और वो है बाहर डे रूम के अंदर। एंड दैट वार्डरोब इज हियर, दिस वन। इसमें भी दो रूम्स रखे हुए हैं बाथरूम्स, साथ वाला खाना खाली पड़ा हुआ, नथिंग इन देयर। दरवाजे के बिल्कुल पीछे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी भागना के जैसे जी जान बचा के। एंड देन लेट मी शो यू द बैल्कनी एज वेल, मज़ा तो है ही बैल्कनी का। सबसे अच्छी जगह जो मुझे लगी ना पूरे के पूरे कमरे में, दैट इज द बैल्कनी। देन दिस इज दी बैल्कनी, और बैल्कनी में आके आप व्यू चेक करें, खासतौर पर जो सामने माउंटेन है ना, आई एम रियली लविंग इट। यहाँ पे वोडाफोन की बिल्डिंग है, साथ में वॉल्यूम्स का ऑफिस है, डिफरेंट होटल्स हैं, सिग्नेचर होटल और पता नहीं कौन कौन से होटल। ये एक और होटल है पियर प्लेस। सेप्स की बिल्डिंग है एंड दरमियान में दिस इज़ द पार्क। आप देखिए नीचे इन्होंने घास नहीं लगाई हुई, नीचे खाली इन्होंने डाले हुए कंकर और साथ में लगाए हुए बीच में दरख्त। लुक्स वेरी ऑसम। एंड ऑफ कोर्स देन वी हैव द ट्रैफिक एंड रोड्स एंड द यूजुअल स्टफ। बट आई एम रियली लविंग दिस प्लेस। अच्छी जगह है यार, मज़ेदार जगह है, एटलीस्ट मुझे तो पसंद आई है। कमरा भी अच्छा लगा, जगह भी अच्छी लगी। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जो मैंने आपको अपना पेंट हाउस दिखाया, अगर आपको पसंद आया हो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माय ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली। दिस इज़ मी जाहिद निसार, आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।